हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में मैथ्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है और मैथ्स हमारी तब फास्ट होती है जब हमारी कैलकुलेशन फास्ट होती है। तो इसीलिए एग्जाम बार के मैजिक ट्रिक सीरीज में मैं आपके लिए आज डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ट्रिक कैसे काम करती है। इसके दो मैथड हैं, एक टाइप वन है और दूसरा टाइप टू है। टाइप वन देखते हैं पहले दोस्तों। टाइप वन क्या कहता है? टाइप वन कहता है ये डबल डिजिट हमें दो लिख दिए, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। टाइप वन कहता है सम ऑफ द यूनिट डिजिट्स इज इक्वल्स टू 10। कहने का मतलब यूनिट डिजिट का सम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। और फिर बोला गया रेस्ट डिजिट्स आर द सेम और बाकी के डिजिट दोनों सेम हो। तो इस टाइप की मल्टीप्लाई हमें कैसे करनी है? तो पहले हमें यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है। तो कितना होगा? 5 5 जा 25। अब क्या करना है? अब एक 6 में हमें प्लस 1 कर देना है। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। तो 7 की मल्टीप्लाई 6 से कर दीजिए, एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 6 कितना हो जाएगा? 42। सिंपल दोस्तों, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। दूसरा लेते हैं कोई। हमने लिया 42 48। दोस्तों दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अब यूनिट डिजिट का सम कितना है? 10 है। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 जा 16। अब बचा क्या? 4 4। अब एक 4 में प्लस 1 कर दो तो कितना हो जाएगा? 5 5 4 जा 20। बहुत ही सिंपल है। एक एग्जांपल और देखते दोस्तों। हमने लिया 106। कितना लिया? 106 एंड 104। यूनिट डिजिट का सम कितना दोस्तों? 10 है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 24। बचा कितना है? 10 10। तो 10 में एक प्लस कर देना है तो कितना हो जाएगा इस जगह पर? 11। 11 into 10 = 110। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आइए दोस्तों एक और देखते हैं। हमने लिखा 92 और 98, मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 + 8 कितना हुआ दोस्तों? 10 है। जब इसका यूनिट डिजिट डिजिट्स का सम 10 है तो मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 जा 16। इधर कितना मिला? 9 9 दोनों जगह। अब एक 9 में आप प्लस 1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 into 9 कितना हो जाएगा? 90। दोस्तों बड़ा ही आसान है, इसको आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये है ट्रिक नंबर 1, या इसको हम टाइप नंबर 1 कहेंगे। अब टाइप नंबर 2 पे जरा देखते हैं। जनरल मेथड, ये हर जगह काम करेगा। तो जनरल मेथड क्या है? हमने लिखा 42 45, ये लिखा हमने। अब इसमें हमारा कैसा चलेगा? जब हमारे यूनिट डिजिट का सम 10 नहीं है, देखो 2 + 5 = 7 होगा, 10 नहीं होगा। तो इस तरीके से अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? स्टेप 1 में हमें ऐसे ही चलना है। तो 5 2 जा 10 हुआ, 10 का क्या लिखेंगे हम? 0 लिखेंगे। अब स्टेप 2 में हमें ऐसे चलना है, दोनों मल्टीप्लाई कर लेनी है, फिर ऐड कर देना है। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 कितना हुआ? 28। और एक कैरी था तो कितना हो गया? 29। अब यहां से हमें कितना कैरी मिला? 2। अब ये मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो लास्ट स्टेप में 4 4 जा 16, 16 + 2 कितना हुआ? 18। बिल्कुल सही दोस्तों, बड़ी ही सिंपल है दोस्तों। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमने लिखा 63 72। इसको देखते दोस्तों। अब एक बार फिर से यूनिट डिजिट का सम 10 नहीं है तो फिर जनरल मेथड, पहले हम यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, कोई कैरी नहीं मिला। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 7 जा 21, 6 2 जा 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? 33। यहां कैरी मिला नहीं था कोई, तो 33 का कितना लिखना है हमको? 3 लिखना है। कैरी कितना बचा? 3 बचा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 जा 42, 42 + 3 45। दोस्तों ये रहा जनरल मेथड। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हम
अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। दोस्तों ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ढेर सारी और भी ट्रिक जानने के लिए। थैंक यू।